पौड़ी में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब जिला प्रशासन कोरोना फ्रंटलाइन वॉरियर्स और अपने कार्मिकों की हर तीसरे चौथे दिन में कोरोना जांच करवाएगा। ये प्रभावी कदम कोरोना के खतरे को रोकने के लिए उठाए जा रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने जो रोस्टर जारी किया है उसमें जितने भी हमारे अधिकारी कर्मचारी जितने भी ऑफिसर्स हैं हम उनकी लगातार सैंपलिंग करा रहे हैं। और जैसे अभी कलेक्ट्रेट में लगभग सारे लोगों का सैंपलिंग हो गई है, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर हम इसको रिपीट करेंगे क्योंकि कलेक्ट्रेट ऐसी जगह है जहाँ पर मैक्सिमम लोगों का आना जाना रहता है। ऐसे ही बैंकों में हम लोग टारगेट कर रहे हैं, ट्रेजरीज में टारगेट कर रहे हैं, हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स जो हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं, जो भी ARMs हैं, आशा वर्कर्स हैं और पुलिस के कर्मचारी हैं, उन सब की हम लोग सैंपलिंग करा रहे हैं। तो ये समय संयम बरतने का है और प्रिकॉशन लेने का है। दरअसल फ्रंटलाइन वॉरियर्स जिसमें आशा कार्यकर्त्री, स्वास्थ्य कर्मी, सफाई कर्मी व कई अन्य कर्मी हैं, अपनी ड्यूटी के वक्त कई लोगों के संपर्क में आ रहे हैं जिससे इनके कोरोना की चपेट में आने का खतरा भी लगातार बढ़ रहा है। वहीं मुख्यालय पहुंच रहे कई फरियादी भी कलेक्ट्रेट परिसर के चक्कर काट रहे हैं, जबकि बैंकों में भी खाताधारकों का जमावड़ा लग रहा है जिससे कोरोना का खतरा बढ़ रहा है। ऐसे में कलेक्ट्रेट परिसर व बैंकों में तैनात समस्त स्टाफ का भी हर तीसरे चौथे दिन में अब कोरोना सैंपल लिया जाएगा। पौड़ी से न्यूज़ स्टूडियो के लिए मुकेश बछेती की रिपोर्ट।